अथर्व की बात ने वंदना को परेशान कर दिया, खुद की दी हुई परवरिश के खिलाफ मन में शक भर दिया। साकी, मैंने ना अथर्व पे उतना ध्यान ही नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था। मम्मा, आपको ना आदत पड़ गई है हर बात पे ओवर रिएक्ट करने की। ओवर रिएक्ट कर रही हूँ मैं? ओवर रिएक्ट कर रही हूँ मैं? इसको ओवर रिएक्ट करना कहते हैं क्या? मम्मा सी, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ओवर रिएक्टिंग। मैंने ऐसा क्या गलत बोला जिससे मम्मी मुझ पे इतना गुस्सा हो गई? यू नो व्हाट, जब मम्मी डैडी के पास आंसर नहीं होता ना, वो लोग हम पे ऐसी अपनी पावर दिखाते हैं। आई स्वेयर यार, सच में मम्मी डैडी को संभालना इजी नहीं है लाइफ में। अचानक अथर्व को रिजॉर्ट पे गलत होने लगा एहसास। पूछने लगा वो सबसे, क्यों है वो मिडिल क्लास? सखी, ब्रेकफास्ट लो बेटा। अथर्व, ब्रेकफास्ट लो राइट नाउ। मैम, वेट, बुफे से आपको जो कुछ भी चाहिए मैं यहाँ ला कर देता हूँ आपको। ओके, अरे हाँ, मुझे आपसे बात ही करनी थी। वो राज है ना, वो एक दिन के लिए। I know. You know. Yeah. आप ही बता दीजिए, एक दिन के लिए क्या? क्या? Actually, I don't know. But I know कि राजेश सर एक दिन के लिए बाहर जाने वाले हैं, ऐसा आप बोलने वाली थी, right? Not bad. Thank you. चलिए, but I actually know, तो मैं ही बता देती हूँ। राज एक दिन के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं, उनको वो स्पेशल मेडिसिन की डिलीवरी करनी है, तो आप प्लीज उनका ब्रेकफास्ट मुझे पार्सल करके दे देंगे? ऑफ कोर्स, 100% पार्सल करवा देता हूँ। थैंक यू मैम। ये लीजिए मैंगोज। मैंगो? ये तो खरबूजा है। आई नो। हाँ, मैं ऐसा कहने वाला था कि ये लीजिए मैंगो कलर का मस्क मेलन, खरबूजा। ओके, चलो शुरू करो। मम्मी, कुत्ते वफादार होते हैं ना, फेथफुल। हाँ, होता है, तुम्हें तो पता है। तो आई नो अंकल क्यों भड़क गए जब उनको एक कुत्ता ऐसे बोला। किसने बोला कुत्ता? तुमने बोला क्या? नहीं, मैंने नहीं बोला। कल जो रिजॉर्ट पे आए थे ना, उन्होंने 2 करोड़ की इम्पोर्टेंट गाड़ी में आए थे वो। अरे मैडम, एक्चुअली बात ऐसी है ना कि बहुत एरोगेंट फैमिली थी। मैंने उनसे जब कहा कि भाई नॉनवेज फूड हम रिजॉर्ट में सर्व नहीं करते हैं, तो मेरे सामने ऐसे पैसों का बंडल फेंका और बोला कुछ भी करो और चिकन मैनेज करो। मैंने उनको समझाया भी कि भाई हमारे शेफ्स को भी नॉनवेज खाना बनाना नहीं आता, तो गली गलौज करने लगे। हाँ, तो फिर आपको पैसे उठा लेने चाहिए थे ना। I know, ऐसे बोल के। I know. अरे क्या I know? जब भी नॉनवेज सर्व ही नहीं करते हैं तो पैसे क्यों उठाने चाहिए थे? क्योंकि वो पैसे ही छोड़ के चले गए थे, किसी को पैसे उठा लेने चाहिए थे। कौन थे वो बदतमीज लोग? आप नाम वाम बताइए अगर पता है तो, मैं अभी फेसबुक पे उनके खिलाफ पोस्ट लिखती हूँ। अरे रहने दीजिए ना, वो आदमी उस वक्त पिया हुआ था। We are used to all this, है ना? आप लोग अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए ना मैम। चलो खाना शुरू कर, ये लो। ये क्या है? खरबूजा? ठीक, मुझे नहीं खाना खरबूजा। मुझे नहीं खाना खरबूजा। आप लोगों को पता है ना मुझे नहीं पसंद खरबूजा। अरे बेटा नहीं पसंद ना तो मत खा, छोड़ दे, कुछ और मंगवा ले। बस मैंगो, अंगूर, जो चाहिए ना कुछ और मंगवा ले। दिखे भले ये आम जैसा खरबूजा, पर खरबूजा पपैया तो होता है खरबूजा पपैया। ट्रेन पर गाए जाने वाला हर गाना नहीं होता छैया छैया, नहीं होता। बराबर बोला आपने यामिनी। विद्युत बेटा तू मंगा, ठीक है? रोज क्या बुफे की लाइन में खड़े रहकर मुफ्त में जो मिल रहा है वही खाना खाए। हाँ, मेरे 5-bedroom हॉल किचन वाले भैया है ना, वो तो कहीं शादी में भी जाते हैं ना तो बाहर 5-star होटल से खाना मंगवाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे बुफे की लाइन में खड़े तो बेचारे गरीब रहते हैं। ओह माय गॉड, ज्योति भाभी इस बात में इतना इतरा क्यों रही है? आपके कहने का मतलब बुफे में खड़ा हर इंसान गरीब होता है? नहीं नहीं दक्षेश भैया, मतलब वो बुफे की लाइन में बहुत टाइम लगता है ना खाना लेने में, और अभी तो ये सोशल डिस्टेंसिंग भी मैनेज करना पड़ता है इसीलिए। हाँ, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। मैं भी कतार में खड़ा था करतार, और करतार की होगी कीर्ति से तकरार। करतार बोला कीर्ति से, कीर्ति क्यों करती हो कुड़कुड़, कतार में करतार से ना करना तकरार। बोल के बताइए। चला चुप, इसके मुंह में कुछ ठूसो। अर्जुन। यस सर। इसके मुंह में पराठा ठूस, पराठा ठूस। व्हाट जी पराठा? मेरा मतलब है हम लोग ऑर्डर देंगे ना, उसमें तू पराठा ला और वो ला के इसके मुंह में ठूस। ओके सर। लाफिंग बेटा मेनू ले, तुझे जो ठीक लगे वो मंगा, ठीक है? अरे वो राजेश भाई, बन्ना अभी, बच्चे लोग कहाँ हैं? सर बोलो ना, बुफे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। राज को बुला के ला, राज को बुला के ला। सखी मम्मा रिलैक्स, अब बैठो बैठो, इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो हर बात पे?
डैडी अपनी पैकिंग कर रहे हैं, वो स्पेशल बॉक्स में आइस वाइस डाल के मेडिसिन पैक कर रहे हैं। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और अथर्व, तू खा ना ये चुपचाप। तो तुम ही समझाओ ना इसे। हाँ, खाने को देख के ऐसे कोई शी बोलता है क्या? क्यों बोला तूने खरबूजे को देख के शी? उमा प्लीज काम डाउन, हम लोग पब्लिक प्लेस में है। पब्लिक प्लेस में तो क्या सखी, मैं इसको हेल्दी खाना खाने के लिए कह रही हूँ ना बेटा। मम्मी कोई अच्छा वाला फ्रूट मंगवाइए ना, कैलिफोर्निया ग्रेप्स या लीची, ये खरबूजा बहुत चह है। ये चह क्या होता है अथर्वा? होता क्या है ये चह अथर्वा? शॉर्ट फॉर्म है मम्मी, जैसे कुछ भी का फुल फॉर्म है कुरमुरे चने भिंडी, वैसे ही चह का फुल फॉर्म है कम्प्लीटली होपलेस एंड एक्सट्रीमली नॉनसेंसिकल। तो कम्प्लीटली होपलेस और एक्सट्रीमली नॉनसेंसिकल में च लेटर कहाँ आता है अथर्वा? तो चह कैसे हुआ शॉर्ट फॉर्म उसका? इंग्लिश में मम्मी, जैसे चह की स्पेलिंग इंग्लिश में CHAEN है, उसका फुल फॉर्म है कम्प्लीटली होपलेस एंड एक्सट्रीमली नॉनसेंसिकल। मम्मा इसे तो पनीर भी चह लगने लगा है रिजॉर्ट में। यस मम्मी, इट टेस्ट लाइक रबर। मैंने दोनों टेस्ट किया है। रबर खाया तुमने? रबर कोई खाने की चीज होती क्या अथर्वा? रख दो मैम। और कुछ चाहिए बुफे से? कुछ मैंगो फ्रूट है? वो तो आपको अला कार्ट से मंगवाना पड़ेगा। हाँ तो मंगवा देते हैं। श्योर। मारफतिया जी, रहने दीजिए। अथर्वा, डैडी ने यही पैकेज ऑर्डर किया है, यही खाना मिलेगा और ये अच्छा खाना है। तो फिर डैडी ने ऐसा चाय पैकेज क्यों लिया कि रिजॉर्ट में जो खाना बनता है वही खाना पड़ेगा, कुछ मंगवा क्यों नहीं सकते? क्योंकि मेन्यू कार्ड से रोज ऑर्डर करना महंगा पड़ता है अथर्वा। चुपचाप ही खाना खाओ। मम्मी हर बार हमारी यही प्रॉब्लम है कि ये महंगा है, वो महंगा है, ये नहीं ऑर्डर कर सकते, वो नहीं ऑर्डर कर सकते। हम रिच फैमिली क्यों नहीं है? हम मिडिल क्लास बन के क्यों रह गए? सर, ये आपके लिए पैक्ड ब्रेकफास्ट, पराठा, इडली, चटनी, डोसा और खरबूजा। हाँ खरबूजा। और चंदू जी, ये आपने बड़ा पाव मंगवाया था ना, एक्चुअली हमारे रिजॉर्ट में ये बनता नहीं है, तो आपके लिए स्पेशली मैंने पास के गांव से अरेंज करवाया, ये लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस जर्नी सर। थैंक यू अर्जुन। ये वंदो क्यों नहीं आई अभी तक? हाँ राज, मैं बस दो मिनट में आ रही हूँ। सखी, जब तक अथर्वा खाना फिनिश नहीं कर ले उसको उठने मत देना। हाँ लेकिन मुझे भूख ही नहीं है तो मैं खाना क्यों खाऊं? अभी पिटाई हो जाएगी ना अथर्वा, तो भूख भी लग जाएगी। वंदु बच्चा है वो, छोड़ो ना, मैं आऊं अंदर। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है राज, मैं हैंडल कर लूंगी, तो प्लीज अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करो, मैं पानी की बॉटल लेके बस आ रही हूँ। जल्दी आओ प्लीज, गेटिंग लेट, बाय। हाँ हो आओ वंदना बहन। सखी अथर्वा, आज आप लोग हमारे साथ नाश्ता करेंगे। आज हमने बहुत ही स्पेशल खाना मंगवाया है। छोड़ो ये बुफे का खाना। यामिनी भाभी, वो ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं बुफे से। हाँ तो पैक करवा लो ना बच्चों, आपको जो मंगवाना है मंगवाओ। प्लीज यामिनी भाभी, इनको यही खाने दीजिए ना प्लीज। अरे वंदना बहन, हम पड़ोसी है, एक्सटेंडेड फैमिली, शक्कर मांगे और शीरा दे वो पड़ोसी सच्चे, बाकी सब ताड़गोले कच्चे, बाकी सब ताड़गोले कच्चे, बाकी सब ताड़गोले। थैंक यू अथर्व। यामिनी आंटी, जो मैं चाहूँ वो मैं ऑर्डर कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। अथर्व प्लीज बहुत ज्यादा खाना ऑर्डर मत करना। चलो वंदु, गेटिंग लेट। थैंक यू सो मच। क्या तुम लोग का झगड़ा चल रहा था? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा मैं दो दिन में आने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, तुम अपना काम आराम से खत्म करके आओ, मुझे भी ना यहाँ पे बहुत स्पेशल काम हैंडल करना है। चलो। ये तुम्हें पता है अपना अथर्वा ना हर चीज को देख के शी कहने लगा है। रूम के पर्दे उसको गरीब लगने लगे हैं और वो रिजॉर्ट का जो बुफे खाना है उसको देख के कहता है कितना चै खाना है। और आज तो उसने हद ही कर दी, बोल रहा था कि हम मिडिल क्लास क्यों हैं, हमारे डैडी पैसे वाले क्यों नहीं है। नो राज, ऐसा बोल ही कैसे सकता है वो? बच्चा है वो, इतने दिनों से हम रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं, विद्युत और ज्योति भाभी को देखता है जब वो महंगी महंगी चीजें लंच और डिनर में ऑर्डर करते हैं, तो उसे भी लगता है कि ऑर्डर करें। अरे पर ऐसा कंपैरिजन करना ही क्यों है राज, कि किसी और के सामने आपको अपने अंदर ही कमी नजर आए। अरे बच्चा है वो। लेकिन देखो ना, हमारा बच्चा जो है वो ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, उसके मन में जो आता है वो व्यक्त करता है। क्योंकि क्या राज,
इस तरह की सोच ही गलत है। अब सही गलत की उसे परख है नहीं है, माँ बाप होने के नाते हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उसे सिखाए कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम अगर प्यार से बात करोगी तो ये लातों के भूत है राज, प्यार से नहीं समझने वाले, प्यार से समझाऊंगी ना एक दिन समझ जाएगा, अगले दिन फिर वही बात करें। तो मतलब तुम मारपीट पे उतर आओगी? हाँ, इस तरह की पेरेंटिंग है तुम्हारी? हाँ, जैसे भी उसको समझ में आएगा वैसे समझाऊंगी। फाइन फाइन, सूट योरसेल्फ ओके। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं कि चिल्लम चिल्ली करने से, डांटने से और दो चमाट लगा के बात को उसके दिमाग में उतारने की कोशिश करोगी ना तो वो सिर्फ बगावत करेगा। ए, चलो यार जल्दी चलो। अथर्वा, ये रहा आपके लिए क्लब सैंडविच विथ एक्स्ट्रा चीज, ऑरेंज जूस, आलू पराठा, योगर्ट एंड हाँ आपका मैसूर मसाला डोसा, वो बस अभी आ जाएगा। थैंक यू। खाओ खाओ। अरे सखी, ये क्या वाटरमेलन से ही पेट भर दोगी? कुछ मंगवाओ, कुछ खाओ। नहीं अमिनी आंटी, अथर्व तो बकासुर है, वो भी पतला वाला, वो कुछ भी डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन मैं थोड़ा टीनेज ब्यूटी फिगर कॉन्शियस, बट तुम्हारी उम्र की मैं थी ना तब, यू नो कॉलेज में मुझे सब रेखा हेमा मालिनी कह के बुलाते थे, दोनों हेमा मालिनी भी और रेखा भी। हाँ, ब्यूटी में हेमा मालिनी और एक्टिंग में रेखा। ये जोहरा की मोहब्बत है। अरे बाप रे, विदाउट नोटिस शुरू हो गई है। चाहे जितने पैसे रखने हैं रख लो जोहरा, पर सिकंदर मुझे लौटा दो। इतने पैसे? इतने पैसों में तो मैं सिकंदर की तस्वीर भी न बेचूं। और इतना याद रखना बाबू, दूसरों का छीन के खाओगे तो बनोगे अगले जन्म में कौवा। दूसरों का उपमा खाने से अच्छा है अपना बटाटा पौवा, अपना बटाटा पौवा। एक मिनट, ताली नहीं बजानी है, मैं तो पूछ रही हूँ कि यामिनी भाभी ये डायलॉग कब बोला था रेखा ने मुकद्दर का सिकंदर मूवी में? नहीं नहीं, ये तो मेरी यम ने बोला था, है ना यम? आप थी मुकद्दर का सिकंदर में? हाँ, पर रोल पसंद नहीं आया इसलिए छोड़ दिया। तभी फिल्म सुपर हिट हुई नहीं? अर्शद, how dare you? मम्मा। Yes मम्मा। सखी, अथर को लेके रूम में आओ बेटा। हाँ, वो नाश्ता कर ले, उसके बाद में लेके आती हूँ। और मम्मा, रिलैक्स ना, आजकल आप बहुत अपसेट रहती हो। वजह भी है ना सखी, हाँ? मैं मानती हूँ कि हम सब घर से दूर हैं, माहौल तंग है, लेकिन यही तो टाइम है ना अपनी असली कैरेक्टर, अपना असली चरित्र दिखाने का, हाँ? और अगर हमारे कैरेक्टर में कोई कमी है तो उसे सुधारने का भी सही टाइम तो यही है। चल, आई विल सी यू इन द रूम, जल्दी आ। ओ गॉड, ने क्या हुआ अथर्व? आई एम सॉरी अंकल, बट गलती से मैंने 1800 का ब्रेकफास्ट मंगवा लिया। अरे तू बिल की चिंता छोड़ ना ब्रो, मेरे पापा बैठे हैं ना। फिर मेरे मम्मी डैडी गुस्सा करेंगे, मुझे तो खर्चा नहीं करवाना चाहिए था। अथर्व, मैं तेरी मम्मी से बात करके उनको समझा दूंगी अपने 1,20,000 वाले मोबाइल पे, तू खा, चिंता मत कर। I'm sorry सकी दीदी, मैंने मेन्यू का राइट साइड नहीं देखा और काउंट भी नहीं किया था। अरे तेरा अंकल बैठा है ना? यस अंकल, वो तो है, लेकिन हम लोग एवरी टाइम मेन्यू की राइट साइड देखकर और काउंट कर ही मंगवाते हैं। हम लोग मिडिल क्लास है ना, आपकी तरह टॉप क्लास नहीं हमारी फैमिली। टॉप क्लास? हाँ, टॉप क्लास, मिडिल क्लास, सब समझ में आने लगा है तुझे अथर्व? मम्मी, मेरा मतलब था कि क्या मतलब था तेरा? कि तेरे डैडी तक्कू भाई हर्षद भाई की तरह कमाते नहीं है, उनके जैसे पैसे वाले नहीं है, तो वो हाई क्लास नहीं है, हाँ? लो क्लास है, राइट? नहीं मम्मी, वो नहीं मम्मी क्या, हाँ? नहीं मम्मी, मम्मा, ये संभाल के,
नहीं मम्मी, क्या होता है धरवा, तूने टॉप क्लास बोला ही क्यों? अब तू पैसे से डिसाइड करेगा कि किसका क्लास क्या है? उस हिसाब से तो वो बदतमीज आदमी जो क्या नाम है उनका, मारफतिया अंकल, मारफतिया जी के मुंह पे गाली देकर गया, टेबल पे पैसे फेंक कर गया, उसके पास तो बहुत पैसा है। हाँ तो क्लास थी उसमें? सॉरी मम्मी। सॉरी क्या होता है अथर्वा, और ये पर्दे क्यों उतारे, प्रॉब्लम क्या है पर्दों से? वो मॉर्निंग में जल्दी लाइट अंदर आ जाती है, देखो ये पर्दे ठीक ही नहीं है, ये पर्दे पतले है। आपको पता है विद्युत के रूम के पर्दे कितने? तुम विद्युत नहीं हो अथर्वा, यू आर यू, और ये बात मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाई थी जब ये रिजॉर्ट के मेंबरशिप के लिए तुमने कहा था इट्स ओनली 50,000। लेकिन नहीं, तुम ना अब तुम्हारा बाहर जाना बंद, तुम कमरे में रहोगे और ये कमरा ठीक करोगे। जस्ट अभी हाउसकीपिंग वाले रूम ठीक करके गए थे ना? लेकिन मम्मी क्या, अगर विद्युत की तरह रहना है ना तो फिर उसके जैसे रिस्पॉन्सिबल भी बनो। देखा है वो कितना नीट एंड क्लीन रखता है अपना कमरा? क्योंकि वो अकेले रहता है मम्मी, हम लोग चार चार एक ही रूम में रहते हैं, और वो भी सादा वाला रूम। विद्युत तो सुपर डीलक्स रूम में रहता है। हाँ तो तुम मुझे भी दो ना अपना एक सुपर डीलक्स रूम, मैं भी अच्छे से रखूंगा। हाँ सुना सकी, अब महाराज को अपना अलग कमरा चाहिए, पूरा रिजॉर्ट ही बुक कर दूं मैं आपके लिए सर। मम्मी आप डांट क्यों रहे हो, मैंने सॉरी बोला ना, एंड मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं रिजॉर्ट खरीदूंगा फ्यूचर में। मम्मा ये देखो अथर्वा अंबानी। सकी दीदी आप हंसो मत, एंड मम्मी आप देख लेना, मैं डैडी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, बट डैडी कितना हार्ड वर्क करते हैं ना पैसे कमाने के लिए, एंड आप ही तो कहते हो कि मंथ के एंड में कभी कभी हमारे पास पैसे की कमी रह जाती है। हाँ तो? तो मुझे इतना रिच बनना है कि हमारे पास कभी पैसे की प्रॉब्लम ही ना हो, हमारे पास बहुत बड़ा रिजॉर्ट हो, चार चार गाड़ी हो, एक सुपर डुपर स्विमिंग पूल वाला बंगला हो, यू नो मैं ये सब खरीदना चाहता हूँ सबके लिए। मम्मी जब मेरे पास 1,000 करोड़ रुपीज आएंगे ना तभी आप लोग हैप्पी होंगे, क्योंकि मैंने पता कर लिया है ओनली मनी कैन बाय हैप्पीनेस। ओनली मनी कैन बाय हैप्पीनेस। हम रिच फैमिली क्यों नहीं है, हम मिडिल क्लास बन के क्यों रह गए? मुझे इतना रिच बनना है कि हमारे पास कभी पैसे की प्रॉब्लम ही ना हो, क्योंकि मैंने पता कर लिया है ओनली मनी कैन बाय हैप्पीनेस। अथर्वा ने आप लोगों के सामने अपने डैडी की इनकम को लेकर शर्मिंदगी महसूस की ना, वो तो आप लोग हमारे अपने हैं, लेकिन कल को अथर्वा ने अगर किसी और के सामने, अपने स्कूल में या टीचर्स के सामने या फ्रेंड्स के सामने ये कह दिया कि मेरे डैडी इतना कम क्यों कमाते हैं, तो कैसा लगेगा हमें? क्योंकि उसके मन में तो ये बात बैठ गई है कि पैसे में ही सुख है। जमाना वंदना बहन, जमाना चीजों में खुशियां ढूंढने लगे हैं हम सब। मेरे वो सुप्रसिद्ध नाटक रसोड़े में कौन था, ओबामा का फोन था, उसमें लिखा ही है ना, चीज वस्तु में ना ढूंढ तू खुशियां, पैसा तो हाथ का मैल है, कल दूध निकालते हुए लात पड़ी थी तुम्हें, वो प्राणी तो असल में बैल है। बैल नहीं, तू तो गधा है गधा। प्लीज सखी दीदी, गिविंग गाली इज लाइक बैल एंड गधा इज रियली रियली चैन। हां मिर्जो 6 बेडरूम वाली कजिन है ना, वो तो अपने भाई को फ्रेंच में गाली देती है, दिनेंगे तो एनाल्फाबेट। हाँ, एनाल्फाबेट यानी कि अनपढ़। ये देखो हमारा पढ़ा लिखा अनपढ़, इसे लगता है कि पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती है। हाँ, सही तो बोले ये। देखा? सी। अच्छा दीदी, हम जब हॉलिडे पे जाते हैं हम कहाँ जाते हैं? माथेरान, पंचगिरी, खंडाला, महाराष्ट्र का बॉर्डर भी हमने पहली बार क्रॉस किया यहाँ सिलवासा के। व्हाई? बिकॉज़ हम लोग करोड़पति नहीं है। हाँ तो हम सुखी नहीं है क्या?
खुश नहीं है? ऐसे कब बोला मैंने सखी दीदी, पर थोड़ा और कुछ देखने का ड्रीम इज नॉट रॉन्ग। कितनी खुशी अथर्वा, हाँ कितनी खुशी बताइए ना ज्योति भाभी, और कितनी हैप्पीनेस? वो कोई कैसे तय कर सकता है अब, लेकिन वंदना भाभी करोड़पति होने की चाह रखना कोई बुरी बात भी तो नहीं है ना? हाँ अपने ज्योति बहन को ही देख लो, करोड़पति है इसलिए इतने महंगे गहने इतने महंगी साड़ियां पहन सकती है सुंदर दिखने के लिए, है ना ज्योति बहन? मेरी तरह नेचुरली सुंदर नहीं है ना वो बेचारी। देखिए करोड़पति बनने का रास्ता भी तो पता होना चाहिए, और सबसे पहले तो अथर्व को ये बात समझनी जरूरी है कि वो रास्ता सही होना चाहिए। उसके लिए तो आप है ना वंदना भाभी, और वागले परिवार की परवरिश मतलब वंदना भाभी ये ज्योति ना सिर्फ आपसे चाय या शक्कर उधार नहीं लेकर जाती, चाय शक्कर के साथ साथ परवरिश भी उधार ले जाती है आपसे। वाह ज्योति बहन वाह, थैंक यू। मेरी लिखी लाइन कितनी अच्छे से लिया आपने। देखिए इस बात का तो मुझे यकीन है कि अथर्व कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, लेकिन ये जो चुटकी बजाते ही पैसे से खुशियां खरीदने की सोच है ना उसकी, उसको बदलना बहुत जरूरी है, और ये सोच तो मैं बदल कर ही रहूंगी। पैसों से सुख मिलता है इस गलत फहमी को दूर करना है, अथर्व के मन में सुख के सही अर्थ का रस भरना है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।